और इस वक्त की अहम खबर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले से जुड़ी सामने आ रही है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोली चलाने वाला पकड़ लिया गया है। आज सुबह फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी और अब हमलावर पकड़ में आ गया है। ये ताजा जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 4 लोगों की जान चली गई थी, 4 लोगों की मौत हुई थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि हमलावर पकड़ा गया है। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजू, कौन है ये हमलावर के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई? देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पूरी घटना सुबह 4:35 की है, उसमें जो हमलावर थे जिसने फायरिंग की, उसमें से एक शूटर जो है वो पकड़ा गया है और उसका इंट्रोगेशन जो है हमारी जो आर्मी है वो उसका इंट्रोगेशन कर रही है और तमाम जो घटनाक्रम है उसको लेकर अभी हम एक आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। उस आधिकारिक बयान में ये चीज निकल कर आएगी कि ये जो हमलावर है जिसको अभी पकड़ा गया है, जिसका इंट्रोगेशन किया जा रहा है, क्या वो आर्मी का जवान है या वो बाहर जाया, क्योंकि जब उसको पकड़ा गया तो वो एक सिविल यूनिफॉर्म में था, यानी कि एक सादी वर्दी में था। तो यहाँ पर ये चीज निकल कर अभी क्लियर नहीं हो पाई है कि वो आर्मी का जवान है या वो कोई ठीक और है। ठीक है अंजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे एक और सहयोगी मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, और क्या डिटेल मिल पाई है हमलावर के बारे में और क्या ये क्लियर हुआ है कि ये कोई आर्मी पर्सनल ही है या फिर कोई और है? देखिए, अब तक ये जानकारी नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन 1 से 2 हमलावर होने की भी आशंका है और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आपको जल्दी से तस्वीरें दिखा देता हूँ। इस वक्त हम बिल्कुल ही आर्मी स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक पंजाब पुलिस के जो अफसर और उनकी टीम अंदर गई है आगे के मामले की तफ्तीश करने के लिए, उनके भी मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा लिए गए हैं। तो पूरा ये हाई सिक्योरिटी इलाका है, इसी वजह से पंजाब पुलिस को भी अब तक जाँच में सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां हम खड़े हैं ये 45 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ आर्मी स्टेशन का इलाका है। नजर बनाकर रखिए मोहित, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तमाम अहम डिटेल्स लगातार मोहित मल्होत्रा हम तक पहुंचा रहे हैं।